यह 80 के दशक की शुरुआत की बात है, जब एक बार आरडी बर्मन ने अमिताभ बच्चन से एक फिल्म में एक गाना गाने के लिए कहा, जिस पर अमिताभ जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ करे, मैं ऐसे गाने को प्लेबैक देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यह एक ऐसा गाना है जिसे न्याय तभी मिलेगा जब इसे किशोर दा गाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। अस्सी के दशक की शुरुआत में जब अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हिट अभिनेताओं में से एक थे, ठीक उसी समय किशोर दा भी लगभग सभी हिट फिल्मों में लगभग हर एक अभिनेता के लिए अपनी शानदार आवाज से फिल्म उद्योग पर राज कर रहे थे। यह वह समय था जब फिल्म उद्योग में एक नया चलन शुरू हुआ, जब कुछ संगीत निर्देशक जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, राजेश रोशन जी, शिव हरि जी आदि अमिताभ बच्चन से अपनी आवाज में कुछ फिल्मों में गाने गवा रहे थे। 80 के दशक के कुछ गाने जो अमिताभ बच्चन की आवाज में हिट गाने के रूप में उभरे, वे थे फिल्म नसीब से, चल मेरे भाई तेरे, हाथ जोड़ता हूं, फिल्म सिलसिला से नीला आसमान, सो गया, चल चल मेरे भाई तेरे, हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तेरे। ये उस समय के दौरान ही था जब पंचम दा फिल्म महान के लिए संगीत तैयार कर रहे थे। फिल्म महान में 7 गाने थे और इसमें से 5 गानों में किशोर दा ने प्लेबैक दिया था। और फिर एक दिन जब फिल्म की रिकॉर्डिंग बहुत तेजी से चल रही थी, पंचम दा ने नए ट्रेंड के बारे में सोचते हुए अमिताभ बच्चन से फिल्म महान में एक गाने को प्लेबैक देने के लिए कहा। अमिताभ बच्चन जी तुरंत प्लेबैक के लिए तैयार हो गए। पंचम दा इस गाने में एक विशिष्ट धीमी आवाज का मॉड्यूलेशन चाहते थे और उन्होंने अमिताभ जी को फिल्म सिलसिला के उनके दूसरे गीत नीला आसमान की याद दिलाई। अमिताभ बच्चन ने गाने की रिहर्सल की और फिर गाना रिकॉर्ड किया गया। गाना था जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, आर डी बर्मन अमिताभ जी की आवाज से खुश थे और जानते थे कि अमिताभ जी का यह गाना उनके अन्य गानों की तरह ही दर्शकों को काफी पसंद आएगा। मेरा है जो सब है तेरा, अब क्या मेरा है। अब गाने का मुख्य संस्करण आया, रोमांटिक संस्करण। जब अमिताभ जी ने इस गाने के रोमांटिक वर्जन की धुन सुनी तो वह तुरंत खड़े हो गए और आर डी बर्मन के सामने सरेंडर कर दिए। अमिताभ जी ने बड़ी नम्रता से हंसते हुए कहा, यह पूर्ण संगीत वाला एक प्रॉपर गाना है जिसे कोई प्रोफेशनल सिंगर ही गा सकता है। पंचम दा, मैं इस गाने के साथ न्याय नहीं कर सकता। ऐसे मधुर संगीत और खूबसूरत बोल वाले गाने के साथ न्याय केवल किशोर दा ही कर सकते हैं। जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। आरडी बर्मन अमिताभ बच्चन की स्थिति को समझ सकते थे। उन्होंने अमित जी को गाने की रिहर्सल करने के लिए और मजबूर नहीं किया और आखिरकार किशोर दा ने गाना रिकॉर्ड किया जो रातों रात सुपरहिट गाना बन गया जब फिल्म महान रिलीज हुई। जिंदा हूं मैं तेरे लिए, अब क्या मेरा है। उन दिनों पिता पुत्र का ये युगल गीत असली क्या है नकली क्या है भी काफी लोकप्रिय गाना था। असली क्या है नकली क्या है, इनको आज बता देंगे। क्यों बिरादर, अरे हाँ बिरादर, अरे क्यों बिरादर। फिल्म के अन्य हिट गाने थे प्यार में दिल पे, मार दे गोली और ये दिन तो आता है, एक दिन जवानी में। प्रिय दोस्तों, आज बस इतना ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमिताभ बच्चन ने अपनी सीमाओं को समझा
और किशोर दास से यह गाना गवाने के लिए कहकर इस खूबसूरत गाने को उचित न्याय दिया। गाने के दोनों संस्करणों पर टिप्पणी करें दोस्तों, और अपने पसंदीदा किशोर दा अमित जी संयोजन गीत जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जनता टॉकीज को अभी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी तकदीर नजर आती है।